हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा, जो कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाती है 30 कंट्री के साथ मिलके। लाइक यूरोपियन कंट्री इसमें भी शामिल हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री भी शामिल है इसमें। तो इसके बारे में बात करूंगा आज इस वीडियो में। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसमें क्या क्या मैं डिस्कस करूँगा उसके बाद में बात कर लेता हूँ। एक तो फाउंडेशन एंड पर्पस क्या क्या है इस नाटो जो है, मेंबरशिप कौन कौन सी कंट्री है इसमें, कलेक्टिव डिफेंस, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, मिलिट्री कमांड एंड स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल मिशन एंड पार्टनरशिप एंड एडॉप्टेशन एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं नाटो के सामने, इसके बात करेंगे। चलिए शुरू कर। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है पूरा नाटो का। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसमें 30 नेशंस शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एक नॉर्थ अमेरिकन नेशंस भी हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं। कुछ मैंने लिस्ट ले लिया है, उसमें यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग कैनेडा है, मतलब नॉर्थ अमेरिकन जितने भी कंट्री हो प्लस यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें शामिल है नाटो में। ये सिंपल। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1949 को। इसमें क्या हुआ कि विद द साइनिंग ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन ट्रीटी, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। और इसको हम लोग वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी। और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल बेल्जियम में है। और पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है सर नाटो का, कि इट प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट ऑल एक्सटर्नल थ्रेट्स। मतलब जितने भी इसमें कंट्रीज शामिल हैं उनके उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो एक कलेक्टिव हेल्प करेंगे, मतलब कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करेंगे सभी कंट्रीज को। मतलब अगर एक कंट्री पर, नाटो की एक कंट्री पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो इसका ये माना जाएगा कि पूरे जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं उस पर सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है, तो उस पर कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। उसका आर्टिकल 5 नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का वो कोर प्रिंसिपल बताता है। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका, इसको सिंपल में बोलते हैं यहाँ पे, विच स्टेट दैट एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसीडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स, दे विल कलेक्टिवली रिस्पॉन्स। मतलब एक एक मेंबर पे, मतलब नाटो के एक मेंबर पे अगर किसी ने अटैक किया तो इसका माना जाएगा कंसीडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर, मतलब सारे मेंबर पे अटैक माना जाएगा। ये इसका काम, मुख्य काम है कि वो हेल्प करेगा। नाटो इवॉल्व टू एड्रेस न्यू चैलेंज। नाटो और भी कई चैलेंजेस हैं, उसको इवॉल्व साथ समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है कई चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। इसमें क्या, टेररिज्म है, साइबर अटैक हो गया, हाइब्रिड वॉरफेयर। इट ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स प्रिंसिपलशिप विथ अदर कंट्रीज और नेशन टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। मतलब और भी कंट्री के साथ, इसका समय के साथ और भी कंट्रियों के साथ इसका संबंध इस्टेब्लिश हुआ है। इस नाटो ग्रुप का को क्या करना, प्रमोट करना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। नाटो की क्या क्या एक्टिविटीज, नाटो कुछ कुछ एक्टिविटीज ही करती है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ एक्टिविटीज भी, इस एक्टिविटीज में भी शामिल है। जैसे एग्जाम्पल, मिलिट्री एक्सरसाइज प्रोवाइड करना, क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्डिंग। मतलब डिफेंस, मतलब कोई भी कंट्री नाटो की, किस कोई भी कंट्री होगी तो उसमें उसको डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब उनको और स्ट्रांग करना और उसको अपग्रेड करना, जिससे कि आने वाले समय के साथ वो चैलेंज कर सके, आने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके और उनको उनको आसानी से उसको टैकल कर सके। इसका मुख्य कार्य है नाटो का। फाउंडिंग एंड पर्पस अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। फाउंडिंग एंड पर्पस, नाटो वाज एस्टेब्लिश, मतलब नाटो जो है एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इट प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट द थ्रेट एंड सोवियत एक्सपेंशन इन इंडो। मतलब नाटो जो है एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ये कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करता है जितने भी कंट्रीज में शामिल है उनको। और यहाँ पे लिखा कि इट अगेंस्ट थ्रेट अगेंस्ट द सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप। मतलब सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1949 इन वॉशिंगटन DC बाई 12 फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। अब दिखा लेता हूँ आपको इसमें कौन कौन से मेंबर्स है, देख सकते हैं आप लोग। है इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, नीदरलैंड,
कनाडा, डेनमार्क, यूके, यूएस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पोर्चुगल एंड यहाँ पे लक्समबर्ग। ये है। अब मेंबरशिप की बात करते हैं। इट करंटली कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। हम लोग बड़े यहाँ पे दिखाए देख सकते हैं आप लोग, 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं पूरा लिस्ट। और न्यू मेंबर भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक उसका अलग प्रोसीजर होता है, प्रोसेस उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसके जरिए वो ज्वाइन हो सकते हैं। मोस्ट इसमें देखा जाए मोस्ट रिसेंट मेंबर कौन कौन से, 2017 में एक मोंटेनेग्रो ग्रो करके कंट्री है, इसको शामिल किया गया। और नॉर्थ मैकडोनिया जो यूरोप में है, इसको शामिल किया गया, देख सकते हैं 2020 में। अब आते हैं हम लोग आगे, कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं। आर्टिकल 5 नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी में आर्टिकल 5 है, उसमें ये बताया गया कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी में विच स्टेट दैट आर्म्स अटैक अगेंस्ट वन मेंबर इज कंसीडर एन अटैक अगेंस्ट ऑल द मेंबर। ये है इसका कलेक्टिव डिफेंस बोल सकते हैं हम लोग। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं नाटो का। देखा जाए तो नाटो में नाटो ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस डिसीजन मेकिंग अमॉन्ग द मेंबर्स स्टेट्स। नाटो नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल इसमें एक कंपोज्ड ऑफ एम्बेसडर फ्रॉम ऑल द मेंबर कंट्रीज इज प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी। जितने भी नाटो के कौन कौन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे, जितने भी एम्बेसडर्स हैं कंट्री के, जो जो कंट्री शामिल है इसमें, उसके उनके सारे एम्बेसडर को प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी माना जाएगा। इट मीट रेगुलरली टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन मैटर रिलेटेड टू अलायंस पॉलिसीज एंड ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजिक डायरेक्शन। मतलब ये हमेशा आपस में मिलते रहते हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, हमेशा मिलते रहते हैं कुछ कोई ना कोई मैटर्स पे जो इस नाटो ग्रुप में बनाया गया, जो मेन मकसद है नाटो का, उससे रिलेटेड। मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। नाटो हैज़ एन मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज़। नाटो क्या करता है, मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लाइक कमांड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज़। जितने भी नाटो के ओवरसी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, तो उसका काम करने का काम कार्य करता है सुप्रीम एलेड कमांडर यूरोप, SACEUR करके। ये जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मोन्स बेल्जियम में है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एलेड पावर यूरोप। एडिशनली देर इज अ रीजनल हेड क्वार्टर्स एंड फंक्शनल कमांड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एरिया एंड टास्क। तो का कई ऑपरेशन और मिशन क्या क्या है, देख सकते हैं। एक तो पीस कीपिंग करने का काम है, मतलब जैसे बना हुआ ना किसी एक्टिविटीज़ में या मिशन में शामिल रहते आया ही है नाटो। तो उसमें से एक है पीस कीपिंग करना, क्राइसिस रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी क्राइसिस उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो ह्यूमन मतलब मानव के द्वारा बनाए गए क्राइसिस हो, या ह्यूमन के द्वारा बनाए गए क्राइसिस हो, या नेचुरल मेड क्राइसिस हो, या काउंटर टेररिज्म हो गया, डिजास्टर रिलीफ एफोर्ट, ये सब चीज़ों में हमेशा नाटो इन्वॉल्व रहता है। नोटेबल ऑपरेशन क्या क्या किया था, कोसोवो फोर्स हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स इन अफगानिस्तान में चलाया गया था, ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर इन लाइबिया। पार्टनरशिप की बात करते हैं नाटो का। नाटो हैज़ डेवलप पार्टनरशिप विथ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अराउंड। नाटो हैज़ डेवलप पार्टनरशिप विथ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन। दिस पार्टनरशिप इंक्लूडिंग द पार्टनरशिप इंक्लूडिंग लाइक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम विच एम टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल कंट्री। ये है नाटो का एक पार्टनरशिप, मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन को प्रमोट करने का काम करता है, और ये पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करता है कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इन सब चीज़ों के लिए। एडॉप्टेशन एंड चैलेंजेस। नाटो कंटिन्यूसली अडॉप्टेड अडॉप्ट टू इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म, साइबर थ्रेट, हाइब्रिड वॉरफेयर, रीजनल
regional instability, the alliance has undertaken effort to enhance its capability, improve interoperational among members force, and strengthen collective defense measures in these challenges. ये है, देख सकते हैं आप लोग पूरा इधर का और इधर का मैंने लिखा था, और इधर नाटो के क्या क्या एक्टिविटीज थे, ये फाउंडिंग पर्पस, मेंबरशिप, मेंबर यहाँ पर दिखाई दिया था आप लोग को, और वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक लिखा था नाटो द्वारा।